आज हमारे गांव में सरकारी गाड़ी आई है जो कि प्याज 25 रुपए किलो बेच रही है, हमें दे जा रही है और बाजार में बिक रहा है। हाँ, बाजार में 80-85 है। और उसके बाद 100 रुपए लेकर और अपने घर से बड़ा सा थैला लेकर आ जाता हूँ मैं अपने गांव के मेन चौराहे पर, और यहाँ के कर्मचारी हमारा नाम और हमारा मोबाइल नंबर लिख देते हैं और उसके बाद एक पर्ची काट के दे देते हैं, जिसके बाद 50-50 किलो प्याज नहीं दे रहे हैं, पोकट के ओनली 2-2 किलो एक बंदे के नाम पर पोकट के। गांव के कुछ लोग यहाँ आ जाते हैं प्याज खरीदने के लिए और यहाँ पर भीड़ जमा करने लगते हैं। भाई इस आटा पीस दो, प्याज की पकौड़े बनाओगे क्या करोगे? अरे भाई खाने के लिए नहीं हो रहे, पकौड़े कहाँ से आए। मैं अपने 100 रुपए यहाँ जमा कर देता हूँ और अपना नाम भी यहाँ पर दर्ज करवा देता हूँ। हमारा भी फोटो खींचा जाएगा, उसके बाद हमें प्याज मिलेगा, हमें 4 किलो प्याज लेने के हकदार बन जाएंगे। अभी वीडियो देखते रहें, अगर आपके काम में भी आता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। भारत सरकार ने किया महंगाई पर पहुंचा रहा घर घर। हमारे भाई यहाँ पर राजू के प्याज लेने भी रहते, कितने किलो प्याज हो गए? 5 किलो प्याज। और उसके बाद हम यहाँ पर खड़े हो जाते हैं अपना फोटो खिंचाने के लिए और यहाँ का कर्मचारी हमारा फोटो भी खींच देता है और ये आगे प्रधानमंत्री का हमारा फोटो शायद दिखाएगा। बनेंगे घर पर पकौड़े। और उसके बाद 4 किलो प्याज लेकर मैं अपने घर में चला जाता हूँ। क्या आपके गांव में ये गाड़ी आई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।